तो मजबूरी है, तो इसलिए तेरा जीना इसलिए भला है कि तू मालिक की भक्ति कर ले, भजन कर ले और अपने बिछड़ी हुई रूह को जो है परमात्मा से मिला ले, तब तेरा जो है जीना सकारक है। वरना अगर भक्ति नहीं की, नाम नहीं जपा, तो फिर ऐसे चला जाएगा, फिर जैसे 84 से छूट करके आया है, फिर 84 के बंधन में चला जाएगा। तो गुरुमुखो महापुरुष जीव को इसलिए बार बार चेतावनी देते हैं, उपदेश देते हैं कि ऐसी उत्तम देही से तुम वो काम लो जिससे तुम्हारा भला हो। कहते हैं जब जग का जीना है भला जब लग हृदय नाम। अगर मालिक का नाम हृदय में बसा हुआ है, उसकी याद है, उसके ख्याल है, तब तो तुम्हारा जीना सकारक है। वो तो कहते हैं नाम बिना जग जीवना सो धातु किस काम। अगर नाम नहीं जपता है, मालिक की याद नहीं करता है, मालिक की भक्ति नहीं करता है, तो उसका जीवन कैसे भला है, किस काम का। ऐसी मानुष देही धारण की और नाम और भक्ति की कमाई नहीं की, तो उसका जीवन ही बेकार चला गया। तो महापुरुष इसलिए सुजाग करते हैं, जरा होशियार करते हैं, गुरमुखो अपने जीवन से फायदा उठाओ, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। और ये समझ तब आती है जब गुरमुख जन सत्पुरुषों की संगत में आते हैं। तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली जीव है जिनको के इस दुबई है डूबी हुई, अब ऊपर तर गई है, सत्पुरुषों की संगत मिल गई तो डूबने से बच गई दुबई। अब मालिक की भक्ति करो, भजन करो और अपनी रूह को ऊपर उठा लो। महापुरुष ये नहीं चाहते कि तुम फिर दुखी हो जाओ, फिर संसार के झंझट में पड़ करके अपने रूह को अपना वो 84 के बंधन में ले जाओ। नहीं, बंधनों से आजाद होकर के आए हो, अब हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओ और अपनी रूह को परमात्मा के साथ मिला लो। वो किस तरह है कि आप नाम जपते रहो, भले संसार में रहो मगर संसार में रहते हुए भी मालिक की भक्ति करते रहो, भजन करते रहो, नाम का स्मरण करते रहो। तो महापुरुषों ने ये 5 नियम इसलिए बनाए हैं कि अगर संसार में भी रहो तो इसका